हैं अरे और हम छह उम्मीद साल से सात साल से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि असेंबली इलेक्शन हो, तो अब उम्मीद है कि पार्लियामेंट के फौरी एक आध महीने के बाद इलेक्शन होने चाहिए। अब ये मेरे ख्याल में अब ज्यादा इंतजार जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं कर सकती। के हवाले से और सोर्स के हवाले से बताया जाता है कि अदा साहब जो है वो अनंतनाग राजौरी के लिए खुद कंटेस्ट करेंगे पार्लियामेंट से। अभी मैंने कोई फायदा जिस तरह से साउथ कश्मीर की सीट है बोन ऑफ कंटेंट बनी हुई है पार्टी में, तो ऐसा लग रहा है कि जो पीएजीडी में ब्रेक हुआ है तो बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? किसको मिलेगा फायदा ये कहना मुश्किल है। आप लोग बहुत होशियार हो गए हैं, वो जानते हैं किसको वोट देना है, सब अपना नुकसान फायदा नुकसान देखते हैं। बहरहाल सियासत में हर सियासी पार्टी को इलेक्शन लड़ने का हक है। हाँ, कुछ पार्टियां हैं दिल्ली में भी और यहाँ भी जो कहते हैं हमारी जायदाद ही चलनी चाहिए, कोई दूसरा पार्टी आनी नहीं चाहिए। उनको बड़ा मुश्किल होता है कोई नई पार्टी आ जाए, उसको हर किस्म के इल्जाम लगते हैं, और खुद जब हुकूमत में होते हैं किसी के साथ भी, किसी पार्टी के साथ भी निकाह कर सकते हैं, किसी पार्टी के साथ शादी कर सकते हैं। सर, आपने सर अपनी तस्वीर में आपने कहा कि कुछ सियासतदान जो है ऐशो अशरत के लिए, वो सबको मालूम है, मैं नहीं कहता हूँ खुल के सर नहीं खुल के, सब मुझसे ज्यादा आप लोगों को मालूम। सर, ये भी बोला आपने कि जो ब्यूरोक्रेसी रूल है तो मुतबादिल नहीं है। नहीं है, फिर तो जमहूरियत होती नहीं, फिर तो हिंदुस्तान के आयीन में तो अलग अलग काम है, मुलाजमों के लिए अलग काम, लेजिस्लेशन के लिए अलग काम, जुडिशरी के लिए अलग काम। हम अभी जबरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं, जो चुने हुए नुमाइंदों का काम हम अफसरों से करा रहे हैं। ये ऐसा ही हुआ कि अगर हम सात साल चुने हुए नुमाइंदे अफसरों का काम करेंगे तो एक फाइल भी नहीं चलेगी, ये हिंदुस्तान के आईन। जिस तरीके से आप स्टेटहुड की बात करते हैं पार्लियामेंट भी उन्होंने खत्म किया तो वो क्यों बात करेंगे? अजीब, आपका सवाल ही, आपका सवाल ही अजीब है। जिस गवर्नमेंट ने खत्म किया तो वो क्यों बोलेंगे उस पर? वो खत्म उनके हिसाब से खत्म हो गया। तो कहां तक सही आजाद साहब को आपको बीजेपी सपोर्ट कर रहा है? बीजेपी उनसे पूछो जो बीजेपी की हुकूमत में मंत्री और चीफ मिनिस्टर हैं। जो खबर गश्त कर रहे की आजाद साहब ने नरेंद्र मोदी से दोस्ती का हाथ मिलाया, उनसे पूछो जो उनके हुकूमत में मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर थे, उससे क्या? मैंने उनकी हुकूमत में कभी एमपी रहा हूँ, ना एमएलए रहा हूँ, ना मिनिस्टर रहा हूँ, ना चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। मिलाकर ही बताइए जो पॉलिटिकल सिनेरियो का लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में असेंबली इंतखाबात होने चाहिए? होने चाहिए नहीं, होंगे और होने। अगर मैंने कहा ना, अब सितंबर के बाद एक दिन भी यहाँ के लोग इंतजार करने वाले नहीं है। सर, इंडिया एयरलाइंस फेल हुआ है, इंडिया एयरलाइंस फेल हुआ है सर, इस पे लास्ट में एक रिएक्शन दे दीजिए। क्या जो सर ब्रेक हुआ है इनका पीएचडी में, ये उनकी मर्जी है, मैं कैसे कह सकता हूँ? जो उनका सवाल है मुझसे पूछ रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या इफेक्ट हो सकता है, कोई क्या फर्क पड़ेगा? थैंक यू।